छत्तीसगढ़ के सीएम क्या सच में देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा? क्या अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कोई और रहेगा? नमस्कार, मैं भावना सिंह स्वागत करती हूं आपका एचबीएन न्यूज में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम के इस्तीफे के बारे में और जानेंगे क्या सच में छत्तीसगढ़ के सीएम अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, और अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के सीएम 2.5 साल के बाद अपने इस सीएम पद से इस्तीफा आखिर क्यों दे रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। वैसे तो आपको बता दें कि सीएम का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन फिर आखिर वजह क्या है जो छत्तीसगढ़ के सीएम 2.5 साल के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में टीएस सिंहदेव की अहम भूमिका रही थी। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी उन्होंने पूरे प्रदेश में यात्राएं करके विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत की और पार्टी को अच्छी सफलता मिली, जिसके आधार पर उन्हें सीएम पद का दावेदार भी माना जा रहा था। लेकिन पार्टी ने उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेश बघेल को सीएम बनाया। सूत्रों के अनुसार उस वक्त टीएस सिंहदेव ने सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, जिसके बाद से ही उनकी नाराजगी की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। टीएस सिंहदेव पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि पहले सीएम 2 दिन के भी रहे हैं और 10 साल के भी। दोनों नेताओं के इस तरह के बयानों से प्रदेश की सियासत में अचानक से 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले की चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस संबंध में पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा रही है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल के सीएम बनाए जाने के लिए इसी शर्त पर तैयार हुए थे कि 2.5 साल बाद सीएम पद की कमान उन्हें मिलेगी। बताया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में हुई निगम मंडल की नियुक्तियों में भी अपने समर्थकों की अनदेखी से नाराज हैं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा भी था कि संघर्ष के दिनों में कांग्रेस के जिन नेताओं ने पार्टी का साथ दिया था, आज उनकी अनदेखी की जा रही है, जबकि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। सिंहदेव के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई थी, जिस पर बीजेपी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा था कि सिंहदेव राजा हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एचबीएन न्यूज।